नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपी जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने एचपी जीके ही डिस्कस की थी, और उससे पिछले दो कल जो था हमने क्या किया था, इंडिया की जीके डिस्कस की थी, और एचपी सेक्रेटरिएट क्लरिकल का प्रीवियस पेपर भी हमने जो था वो इससे पहले डिस्कस कर लिया है। 159 क्वेश्चन से देखिए, क्योंकि आपको आपके आने वाले क्लरिकल का एग्जाम है, जीओए का एग्जाम है, कॉन्स्टेबल या फिर कोई भी आपका एग्जाम है, उन सभी में डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। 159 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछते हैं महाराजा रणजीत सिंह हैड विजिटेड, तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो किसकी यात्रा की थी, ये कहाँ पर पहुँचे थे आकर। अगर आपको ध्यान हो तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो ज्वालामुखी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, किसके साथ, राजा संसार चंद के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इसका पूरा सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ था। जब गोरखाओं ने जो था वो क्या किया था, कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था, तब उस टाइम संसार चंद हुआ करते थे कांगड़ा के राजा। संसार चंद ने क्या किया, अब संसार चंद को चाहिए थी किसी की हेल्प। संसार चंद ने अपने भाई फतेह सिंह को जो था, फतेह चंद को क्या किया, भेज दिया महाराजा रणजीत सिंह के पास। उस टाइम ये लाहौर में थे कि जाइए महाराजा रणजीत सिंह से जाकर जो था वो हेल्प मांगिए। फतेह चंद जा पहुँचे महाराजा रणजीत सिंह के पास जाकर। इन्होंने रणजीत सिंह से हेल्प मांगी कि भाई हमारी हेल्प कर दीजिए और हम आपको नजराना पेश करेंगे, आपको कुछ पैसे वैसे देंगे जो भी आप मांगते हैं। उसके लिए महाराजा रणजीत सिंह मान भी गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था वो लाहौर से जो था यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया, कांगड़ा की ओर आना। जब वो कांगड़ा की ओर आ रहे थे, तब आते टाइम उनको रास्ते में जो था वो गोरखाओं का एक बहुत ही विश्वसनीय आदमी मिला, जिसका नाम था जोरावर सिंह। अब जोरावर सिंह ने क्या कहा महाराजा रणजीत सिंह के, कि अगर आप देखिए वापिस चले जाते हैं यहाँ से, तो आप आपको जो है वो गोरखाओं के द्वारा जो है वो दोगुना नजराना जो है वो पेश किया जाएगा। और इस पर जो था वो महाराजा रणजीत सिंह ने इनकार भी कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। परंतु इस बीच महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, अपनी एक सेना की टुकड़ी जो था वो इंदौर में रख दी, और दूसरी सेना की टुकड़ी जो था वो बिजवाड़ा में रख दी। ये क्यों रखी, ताकि वो गोरखाओं की गतिविधियों के ऊपर नजर रख सके। इस दौरान अचानक से क्या हुआ कि गोरखाओं के बीच जो था एक बीमारी फैल गई, और बहुत सारे गोरखा सैनिकों की जो था यहाँ पर मौत भी हो गई। अब लाहौर पहुंचकर रणजीत सिंह ने जो था वो लड़ाई के सारे प्रबंध भी कर लिए थे। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने जो था फतेह चंद से फिर से मुलाकात की, और फतेह चंद ने क्या कहा कि वो महाराजा संसार चंद जो है इसके बदले, सहायता के बदले जो है वो कांगड़ा का किला देने को भी जो है वो मान के। अब कांगड़ा का किले देने की बात होगी कि महाराजा रणजीत सिंह को ये किला दे दिया जाएगा। 1809 में जो था वो रणजीत सिंह लाहौर से ज्वालामुखी की ओर चल पड़े, और 1809 में क्या हुआ था, ज्वालामुखी की संधि हुई थी। इस संधि पर जो था वो खून से जो था वो हस्ताक्षर किए गए थे। ये दोनों जो था ये ज्वालामुखी के मंदिर में मिले थे, जहाँ पर इन्होंने ये खून से हस्ताक्षर किए। और रणजीत सिंह ने जो था वो माता ज्वालामुखी का जो पवित्र दीपक है उसके ऊपर हाथ रखकर ये वादा भी किया कि संसार चंद को किसी प्रकार की हानि नहीं वो पहुंचने देगा। तो ये आपको पता चला छोटा सा सिनेरियो था। तो ये दो तीन क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिए कि ज्वालामुखी की संधि पर कब कब हस्ताक्षर किए गए, किस किस के बीच में ये हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह ने हिमाचल में कहाँ पर यात्रा की थी। आगे 160 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है। द सोर्स ऑफ रिवर चेनाब इज इन, तो चेनाब नदी का नाम आपने सुना है, इसका सोर्स पूछा गया है कि इसका सोर्स कहाँ पर है, ये कहाँ से निकलती है। तो ये जो चेनाब नदी है इसके बारे में आपने पढ़ा है कि चेनाब नदी पहले चंद्रभागा होती है, फिर तांडी में जाकर चंद्रा और भागा ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, और उसके बाद जब ये चंबा में एंटर करती हैं तब ये चेनाब के नाम से भी जानी जाने लगती हैं। तो ये नदियाँ जो है ये बारालाचा दर्रे के समीप जो है वो कहीं से निकलती हैं। तो ऑप्शन सी बारालाचा दर्रा जो है वो सही आंसर है। अब बारालाचा दर्रे के समीप से ये निकलती हैं। कल आपको अगर याद हो तो हमने बड़ा सिगरी ग्लेशियर के बारे में भी पढ़ा था। बड़ा सिगरी ग्लेशियर में एक बार जो था वो हैवी कोलैप्स हुआ था, मतलब भारी तबाही उसने मचा दी थी। तो वहां से जो था वो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। अगर चेनाब नदी के बारे में किसी ने आपसे कुछ और पूछना हो तो ये पूछ सकता है कि चेनाब की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कौन सी है। तो चेनाब की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं वो चंद्रा और भागा ही है। चेनाब का आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ से निकलती हैं इसकी सहायक नदियां, परंतु एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेनाब के बारे में पूछा जाता है। देखो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ी नदी है, और अगर आपसे पूछ जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है, वो है सतलुज नदी। पर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ी नदी चेनाब है, तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछते हैं रेणुका इज एसोसिएटेड विद, तो रेणुका का संबंध जो है वो किसके साथ है। रेणुका का संबंध परशुराम के साथ जोड़ा जाता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। रेणुका के बारे में जानिए कि रेणुका एक झील भी है, रेणुका मेला भी है। रेणुका मेला पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं डिटेल में जानते हैं। देखिए पहले तो आप देखिए कि रेणुका का संबंध परशुराम के साथ क्या था। तो रेणुका जो था वो परशुराम की माँ थी।
इनसे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां भी हैं, परंतु जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। रेणुका मेला कब मनाया जाता है? रेणुका मेला जो है वो दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। पिछले कल की वीडियो में आपसे आपसे पूछा था मैंने आपसे कि रेणुका किस तरह का मेला है, तो रेणुका जो है एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। ये इंटरनेशनल फेयर है रेणुका मेला, और ये मेला लगता कब है? ये मेला जो है वो दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो लगता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है, प्राकृतिक झील कौन सी है, तो रेणुका झील जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 162, यहाँ पर पूछते हैं सिपकी पास इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सिपकी दर्रा किस जिले में स्थित है? देखो सिपकी दर्रा जो है, वैसे देखो इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स भी आएंगे, कोई बोलेगा लाहौल स्पीति में है, कोई बोलेगा किन्नौर में है, परंतु मैं कुछ सोर्सेज के थ्रू बता देता हूँ। एक किताब के थ्रू मैंने देखा तो उसमें किन्नौर दिया गया है, जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो सिपकीला दर्रा वहाँ पर आया, सिपकीला दर्रा किन्नौर में ही आया। तो अब देखो किस तरह से उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है आंसर के ऊपर, तो हम ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते हैं, इसको स्क्रैप्ड ही रखते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाता है। फिर वैसे मैंने आपको सोर्सेज बता दिए कि इन इनके थ्रू है, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। 163 क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं द बुक कांगड़ा पेंटिंग वॉज रिटन बाय, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा पेंटिंग किताब, ये किताब MS रणधावा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब कुछ ऐसी किताबें जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और आगे पूछी भी जाएंगी, उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, जैसे पोलेंड्री ऑफ हिमालय, हिमाचल प्रदेश इट्स ए शेप एंड स्टेट किताब, ये YS परमार के द्वारा लिखी गई है। हिमालय अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट विक्रम कायस्थ ने लिखी है। मुक्तसर तारीखी रियासत चंबा गरीब खान ने लिखी है। कंट्री लाइफ नोरा रिची ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जे हटिसन के द्वारा लिखी गई है। एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट JPH वोगल ने लिखी है। हिमालयन सर्किट किताब JD खोसला ने लिखी है। कुल्लू एंड लाहौल किताब JC ब्रूसी ने लिखी है। हिमालयन पिलग्रिमेज BN दत्तार के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल टू कश्मीर एंड लद्दाख किताब, ये APF हारकोट के द्वारा लिखी गई है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल WG आर्कर के द्वारा लिखी गई है। कांगड़ा पेंटिंग MS रंधावा ने लिखी है। चंबा पेंटिंग VC ओहरी ने लिखी है। शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश TS नेगी ने लिखी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इन सभी के नाम आप याद रखिए, और सभी जो हैं एक एक बार एग्जाम में ज़रूर पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर पूछते हैं 164 में किलाड़ इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, किलाड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किलाड़ देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। पांगी का नाम आपने सुना होगा, पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? किलाड़ में पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। पांगी में जो है पंगवाल ट्राइब जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। पंगवाल्स के बीच में कुछ मैरिज के टाइप हैं जो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि पिटचुक हो गया, डोगरी हो गया, टोपी लाना हो गया। टोपी लाना जो है ये विडो मैरिज है या फिर विडो री मैरिज है ये, तो ये आप इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट याद रखिए जो कि पंगवाल्स के बीच में प्रचलित हैं। अब बाकी हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट और उनके हेडक्वार्टर, सबसे पहले तो कांगड़ा का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? धर्मशाला में कांगड़ा का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा सिरमौर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिरमौर का हेडक्वार्टर नाहन में है। किन्नौर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है वो रिकांगपियो में है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो केलोंग में है। तो ये सब आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आगे देखिए 146 क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पूछते हैं थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ये थिरोट जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनी हुई है? थिरोट जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर बनी हुई है? ये चेनाब नदी के ऊपर बनी हुई है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चेनाब नदी के बारे में डिटेल में तो हमने अभी जाना, तो इसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले कल ही हमने वीडियो में पढ़ा था कि नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाई जा रही है और इसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये सतलुज नदी के ऊपर बनाई जा रही है, इसको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। 1500 मेगावाट की ये परियोजना है। बैरासूल परियोजना के बारे में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बैरासूल जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाई जा रही है, तो बैरासूल अपने आप एक खड्ड है जो कि रावी नदी के ऊपर जाकर मिल जाती है, तो रावी नदी के ऊपर ये बनाई जा रही है, उस हिसाब से रावी इसका सही आंसर होगा। चमेरा परियोजना के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, चमेरा परियोजना को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है NHPC, ये मैंने पिछले कल आपसे एग्जाम में पूछा था, NHPC इसको एग्जीक्यूट करती है, आप ध्यान रखिएगा। वैसे जिन लोगों ने कमेंट करके बताया था उन्होंने सही आंसर इसका बताया था। गिरी परियोजना भी हमने कल पढ़ी थी, गिरी परियोजना 60 मेगावाट की परियोजना है, ये गिरी नदी के ऊपर बनी हुई है जो कि सिरमौर में स्थित है।
गड़छम वांगतू परियोजना के बारे में जान लीजिए, ये 1000 मेगावाट की परियोजना है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। कोल डैम परियोजना जो है ये 800 मेगावाट की परियोजना है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और NTPC द्वारा इसको निर्मित किया गया। तो ठीक है, NTPC नाम याद रखना है आपको साथ में। तो ये सब जो हम रेगुलरली रिवाइज करते रहते हैं वही है। 148 देखते हैं, यहाँ पर पूछते हैं बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला स्थित है? बहादुरपुर किला कहाँ पर पड़ता है? तो ये बहादुरपुर फोर्ट जो है ये बिलासपुर में पड़ता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बहादुरपुर फोर्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। बिलासपुर में कोट कहलूर फोर्ट भी पड़ता है, रतनपुर फोर्ट भी बिलासपुर में पड़ता है, ये तो बिलासपुर के हो गए। अब बिलासपुर के अलावा जो है और भी ऐसे इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो माओकोट फोर्ट आप याद रखिएगा, जो हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था, ये नूरपुर में है। माओकोट फोर्ट पर जो था वो तिरंगे की तीनों लाइटें जो था वो गिराई गई थी, तो इसीलिए ये न्यूज में आया था। हमने गिरिराज में डिटेल में पढ़ा था इस माओकोट फोर्ट के बारे में। कामरू फोर्ट, कामरू फोर्ट जो है वो किन्नौर में पड़ता है। कमलाह फोर्ट, कमलाह फोर्ट जो है वो मंडी में पड़ता है। महासुगढ़ फोर्ट, महासुगढ़ फोर्ट जो है वो शिमला में पड़ता है। छातीपुर फोर्ट, छातीपुर फोर्ट जो है ये भी बिलासपुर में पड़ता है। इसका निर्माण राजा संसार चंद के द्वारा करवाया गया था बिलासपुर में। गोंदला कैसल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गोंदला कैसल लाहौल स्पीति में है। और लोहगढ़ किला जो है, लोहगढ़ किला कहाँ पर है? लोहगढ़ किला पौंटा साहिब में है। महिमा लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। महिमा लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा कमेंट करके बताएं। 149 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछते हैं हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो हरिराय मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो मंदिरों की बात करें कि हरिराय मंदिर जो है ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है। ये मंदिर जो था वो राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ये तो हरिराय मंदिर के बारे में हो गया। डिस्ट्रिक्ट चंबा के और इम्पोर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं? यहाँ पर शक्ति देवी मंदिर आता है, इसको छत्रारी मंदिर भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि शक्ति देवी मंदिर कहाँ पर है, शक्ति देवी मंदिर जो है वो छत्रारी में है। पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ये मंदिर बनाया गया है। लक्षणा देवी मंदिर जो है ये भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है। मणिमहेश मंदिर, इंपॉर्टेंट मणिमहेश मंदिर जो है ये नगारा आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है। पिछले कल हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का महामाया बालासुंदरी मंदिर। तो महामाया बालासुंदरी मंदिर कहाँ पर है? ये सिरमौर में स्थित है, तो ये भी याद रखें। आगे है हमारे पास 150 क्वेश्चन। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए वैसे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर लिंक आपके पास काम नहीं करता तो आप इस तरह से @allexam31 भी सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 10,500-600 से अधिक फॉलोअर हैं, तो आपको इजीली मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले। 150 क्वेश्चन देखिए, धानराज डांस इज परफॉर्म बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा धानराज नृत्य परफॉर्म किया जाता है? धानराज नृत्य जो है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है और कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तो ढांडरा डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? गद्दी ट्राइब के द्वारा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। पिछले कल हमने गद्दियों से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि नवाला जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? नवाला जो है वो गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा से कुछ इंपॉर्टेंट डांसेज जान लेते हैं। चंबा में जो है ढांगी डांस है, ढेपक डांस है, चुराही डांस है, झांझर डांस है, ये चंबा के फेमस डांसेज हैं। और भी इंपॉर्टेंट डांसेज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पिछले कल भी रिवाइज किए थे। किन्नौर का आप याद रखिएगा, राक्षस नृत्य हो गया, बांग्यांग हो गया, कयांग हो गया, जात्रु हो गया, जापरो हो गया, ब्यांगचू हो गया, ये किन्नौर के हैं। सांद और सांबू ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के हैं, लाहौल स्पीति के हो गए। लाहौल स्पीति के अलावा जो है कुल्लू का कथड़ी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो कुल्लू का कथड़ी भी आपको याद रखना है कि कथड़ी कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। बाकी आपको आज ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो उसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।